ये हमारे जो इंजेक्टर हैं, इंजेक्टर के जो सेंसर हैं, इनकी इंसुलेशन टेस्ट करनी है हमें। इंसुलेशन मतलब ये जो सेंसर है ये बॉडी से शॉर्ट तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर ये बॉडी से शॉर्ट होगा तो जो भी करंट इसको मिलेगा वो सारा का सारा बॉडी में यानी अर्थ में बह करके लौट जाएगा, और इंजेक्टर जो है वो नोजल यहाँ से उसकी फायर नहीं करेगी। अब इसको टेस्ट करने के लिए क्या होता है, बहुत सारे मीटर आ रहे हैं मार्केट में, उन बहुत सारे मीटर में से एक मीटर जो है वो इस टाइप का आता है, सुई वाला। ये थोड़ा सा डैमेज हो गया है रखे रखे ही, लेकिन वो इस तरीके का आता है। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है ये समझ लो आप, क्योंकि बहुत ही मतलब वैसे बहुत आसान चीज़ है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो रखी है हमारी लाइन में। इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधी सी बात है, ये 500 वोल्ट पे काम करता है ये। मतलब यहाँ पे जब दो तार लगी होंगी, आप टेस्ट का बटन दबाओगे तो यहाँ पे यहाँ से जो है आपको 500 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी इंजेक्टर को, और इंजेक्टर हमारा चलता है 50 वोल्ट 51 वोल्ट, ये बूस्ट वोल्टेज है 50 51। मल्टीमीटर पे नहीं मिलेगा आपको, ये ऑसिलोस्कोप में मिलेगा या स्कैनर पे मिलेगा। अब जो चीज़ 50 वोल्ट पे चल रही है उसको हम टेस्ट कर रहे हैं 500 वोल्ट पे, तो वहाँ पे ये सुई आधी उठ जाए, थोड़ी उठ जाए या यहाँ तक उठ जाए तो ऐसा लगता है कि ये सेंसर जो है शॉर्ट है, लेकिन गाड़ी पे वो काम कर रहा होता है। और दूसरा, जब सुई उठ जाती है तो कन्फ्यूजन हो जाता है सबसे बड़ा, कि कस्टमर को क्या बताना है, कि शॉर्ट बताऊँ सही बताऊँ, क्योंकि शॉर्ट बताता हूँ तो कस्टमर कहता है भैया गाड़ी तो सही चल रही है, तो खुद को भी धोखा होता है और साथ में ग्राहक के साथ भी धोखा हो जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये मीटर जो है, जो सामने अभी आप देख रहे हो डिजिटल मीटर, ये मीटर जो है आपको यूज़ करना है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, इसमें से दो वायर निकल रही हैं, चार स्लॉट हैं, आपको पहले वाले में और लास्ट वाले में इसे लगाना है, और यहाँ पे हमने देख रहे हो एक बॉडी पे लगाना है और एक आपको सेंसर पे लगाना है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सवाल होगा, लाल वाला कहाँ लगाऊँ, काला वाला कहाँ लगाऊँ। कुछ नहीं, कोई भी पॉइंट आप किसी भी जगह लगा सकते हो, क्योंकि हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एक तरीके से, कि इन दोनों पॉइंट के बीच में कंटिन्यूटी नहीं बननी चाहिए, बन रही है तो कितनी बन रही है, क्या वो चलाने लायक है या नहीं। तो इसको देखो हम चालू कर लेते हैं, 100 वोल्ट सेलेक्ट करेंगे, 100 वोल्ट पे टेस्ट होगा ये हमारा, ना कि 500 250 1000 वोल्ट पे नहीं चेक होगा, ये केवल 100 वोल्ट पे चेक होगा, और ये चलता है 50 वोल्ट पे। कुछ इंजेक्टर ऐसे होते हैं जो 80 वोल्ट पे, कुछ ऐसे होते हैं जो 125, जैसे पीजो इंजेक्टर हैं, तो 100 वोल्ट सबके लिए सफिशियंट है, और यही कंपनी की तरफ से रेगुलेशन में दिया भी गया है कि आपको 100 वोल्ट पे टेस्ट करना है। अगर आप बॉश का देखोगे ध्यान से तो वहाँ आपको पता लगेगा कि ये आपको 100 वोल्ट पे ही टेस्ट करना है। तो ठीक है, अब ये हमने सेलेक्ट कर लिया, वायर हमने लगा दी, इस बटन को प्रेस करना है, प्रेस करके घुमा दो, करंट आने लग गया यहाँ पे। ठीक, थोड़ी देर में ये आपको बता देगा इंसुलेशन कैसी है। देखो अब इसकी इंसुलेशन थोड़ी डाउन है, 96.8 आ रहा है, 96.31, ये लगातार नीचे गिर रहा है, ये आपका आना चाहिए 110, लेकिन डाउन है। पर क्या ये चलाने लायक है, अगर ये गिर रहा है तो क्या मैं कस्टमर को ये कह दूं कि नहीं भैया ये नहीं चलेगा और आपको नया डलवाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कहाँ तक, किस वैल्यू तक मैं ओके बोलूं। तो ये वैल्यू जो आपकी अभी 91 आ रही है, ये जब तक 10 नहीं आ जाती, 10 पॉइंट, ये पॉइंट कहते हैं इसको, 10.0 से नीचे नहीं आ जाती, ये 901 902 नहीं आ रहा है, ये 90.9 90.2 91.6 92 91.5 ये ऐसे आ रहा है। तो जब तक 10.0 से नीचे नहीं गिर आता, 10.0 मेगा ओम से नीचे नहीं गिर आता, तब तक आप इसको चला सकते हो। ठीक, अब मैं आपको एक सही इंजेक्टर पे लगा के दिखाता हूँ, उसके लिए इसे पहले ऑफ करेंगे, अब लगाएंगे, लगाओ नोजल पे, लगा लो कहीं भी लगा लो बॉडी में।
अब इसको टेस्ट करते हैं दोबारा से प्रेस करके। ये देखिए इसकी 110 आ रही है, क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट है, ज़रा सा भी इसमें फ्लो नहीं हो रहा है अंदरूनी, और अगर हो भी रहा है तो जब तक ये जब तक 110 की जगह 10 ना हो जाए तब तक आप इसको सेंसर को चला सकते हो। जब ये 10 या 10 से नीचे जाए तब आपको ये चेंज करना है। तो इस तरीके से इसे चेक करना है। ये मीटर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इसको मंगा सकते हैं और सही डिसीजन ले सकते हैं सेंसर के रिगार्डिंग। थैंक यू।